हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा प्रोग्राम के द्वारा पीसी या लैपटॉप को शटडाउन करना सीखेंगे। इस प्रोसेस को बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे ताकि आप पीसी या लैपटॉप को शटडाउन करना आसानी से सीख जाए। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जावा प्रोग्राम के थ्रू अपने विंडोज पीसी या लैपटॉप को शटडाउन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइड जो रन टाइम नेम का क्लास है उससे आपको कॉल करना है गेट रन टाइम नेम की मेथड को। ये एक स्टेटिक मेथड होती है रन टाइम नेम की क्लास के इनसाइड, तो आप उसे क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। जैसे आप इसको कॉल करते हैं तो इससे रन टाइम नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है। आप इस ऑब्जेक्ट को रन टाइम नेम की क्लास के रेफरेंस में असाइन कर दें। अब यहाँ पर हमने रन टाइम नेम की क्लास के आर रेफरेंस में इसको असाइन किया हुआ है, तो इस रेफरेंस से मैं यहाँ पर ई एक्स ई सी मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ई एक्स ई सी यानी कि एग्जीक्यूट, इसका फुल फॉर्म है, इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ और साथ ही साथ इस मेथड के इनसाइट में स्ट्रिंग में एक यूआरएल कमांड डाल रहा हूँ। इस कमांड को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आपको कॉपी करना है और इस मेथड के इनसाइट पेस्ट कर देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इस प्रोग्राम को रन करना है। आप राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद रन फाइल के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन होगा, और जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो आपका जो पीसी है या लैपटॉप है वो शटडाउन हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।